आज के वीडियो का टॉपिक होगा नोकिया के एक न्यू मोबाइल आया है यहाँ पर। मैं आपको उसका नाम बताता चलूँ, X30 5G इसका नाम है और इसकी कंप्लीट लॉन्च डेट, प्राइस, स्पेसिफिकेशन पाकिस्तान इंडिया बताऊंगा। और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन 100% ऑफिशियल है और इंटरनेशनल प्राइस भी 100% ऑफिशियल है, आपको कम्प्लीट बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, कम्प्लीट वॉच करनी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन के हवाले से। तो यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है ना। ये X30 है, तो यहाँ पर ये फ्रंट पंच होल आ रहा है और बिल्कुल बेजलेस डिस्प्ले के साथ आ रहा है। और यहाँ पर बैक पर हमें डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर आपके सामने है लुक्स इस मोबाइल का, और ये 100% ऑफिशियल लुक है, कोई लीक होकर नहीं आई है फोटो, ये 100% ऑफिशियल लुक है, ठीक है। आपको 100% ऑफिशियल लुक दिखाया है मैंने। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ मजीद इसके बारे में। तो यहाँ पर देखें, ये दो तीन मोबाइल्स रिलीज़ किए हैं साथ में, अपने वायरलेस एयरबड्स रिलीज़ किए हैं और साथ में इन्होंने ना अपना एक यहाँ पर टैबलेट रिलीज़ किया, ठीक है ना। तीनों मोबाइल्स की और एक यहाँ पर टैबलेट की सेपरेट वीडियो बनाकर मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ प्राइसिंग की, क्या प्राइसिंग होगी। देखिए प्राइसिंग बहुत हाई लग रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा हाई लग रही है इसकी प्राइसिंग। यहाँ पर 520 यूरो की प्राइस है और पाकिस्तानी करेंसी में डायरेक्ट कन्वर्ट करने के बाद इसकी प्राइस आई है 1,14,000, इंडिया में प्राइस आई 42,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं स्पेसिफिकेशन के ऊपर, फिर देखते हैं मोबाइल कैसा है। देखें यहाँ पर 185 ग्राम वेट है। यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फ्रंट पर और एलुमिनियम फ्रेम मिल जाएगा, प्लास्टिक बैक मिल जाएगा, IP67 का यहाँ पर रेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, एमोलेड डिस्प्ले विद 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट। यार 120 हर्ट्स का डालते थे, क्या हो सकता था, क्या कह सकते हैं इन्हें। अभी यहाँ पर डिस्प्ले साइज भी छोटा मिल रहा है, यहाँ पर 6.43 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है विद FHD रेजोल्यूशन विद स्टॉक एंड्रॉइड 12 एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और यहाँ पर हमें मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिल जाएगा, 6GB 128GB 8GB 256GB स्टोरेज। देखें जो 128GB वाला वेरिएंट है ये UFS 2.2 पर बेस्ड होगा, ये जो 256GB वाला ये होगा UFS 3.0 पर बेस्ड। ये काफ़ी एक न्यू चीज़ आई है, क्योंकि जो भी UFS यहाँ पर स्टोरेज आती है वो सारे मॉडल्स में एक ही होती है, बट यहाँ पर नोकिया कोई नई चीज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है या फिर काफ़ी हैरानकुन बात है मेरे लिए। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कैमरास के हवाले से। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मिल जाएगा, F1.8 का अपर्चर मिल जाएगा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जस्ट 1080p वीडियो बनाएगा। जस्ट 1080p, इतना यहाँ पर महंगा मोबाइल है और जस्ट 1080p वीडियो बना रहा है, क्या बात है। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा की तरफ बात कर लें, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा विद F2.4 अपर्चर, लाउड स्पीकर मौजूद है, 3.5mm ऑडियो जैक मौजूद है, ब्लूटूथ 5.1, Type-C 2.0, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, अच्छी बात है। 4200mAh बैटरी, छोटी बैटरी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। और जस्ट 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखने बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है इन्होंने ओवर प्राइसिंग में सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया, ओप्पो और वीवो को भी पीछे छोड़ दिया, एटलीस्ट यहाँ पर ऑन स्पेक ऐसे लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरव्यू इसी किस्म का मैं दे सकता हूँ। इसका कैमरा मुझे 4K वीडियो बनाता तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, बट इतना अच्छा नहीं लगा मुझे कैमरा। और बैटरी भी डेफिनेटली छोटी है, फास्ट चार्जिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है और मोबाइल की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। बिल्ड क्वालिटी में मैं कह सकता हूँ एवरेज है। यहाँ पर डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट होता और 6.8 इंच का डिस्प्ले होता तब बहुत ज़बरदस्त होता। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, रैम और स्टोरेज भी अपनी प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा एवरेज है। ओवरऑल मोबाइल ये अपनी प्राइस के हिसाब से एवरेज और बिलो एवरेज है, मैं यही कह सकता हूँ। आपको अगर ओपिनियन पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें मजीद अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। एंड एंड स्क्रीन में मेरा चैनल भी आ चुका है, वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।